हेलो एवरीवन, दिस इज़ विपिन हियर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपने चैनल एजुकेशनल हाइक्स पे लगातार बहुत सारे कंटेंट्स आप लोग को दे रहे हैं और आई होप आप सबको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है, आप हमारे वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिका, ट्रेड टू टेरिटरी का पार्ट 3 है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग ट्रेड टू टेरिटरीज के पार्ट 3 में जो भी टॉपिक्स आएंगे उन्हें कवर करेंगे। देखिए, अभी तक हमने पार्ट 1 में चैप्टर्स के फर्स्ट 2 पेजेस को कवर किया, फिर पार्ट 2 में थर्ड एंड फोर्थ पेजेस को कवर किया। अब उसके बाद ये पर्टिकुलर पार्ट जो 3 है, इसमें उसके आगे के टॉपिक से हम चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए, आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला आवाज एसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था। मैंने बताया था 1757 को बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि जो कंपनी का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, और उसके बाद क्या कहते हैं, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में एक बैटल होता है जिसको बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। और बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला डिफीट कर जाते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और उनके मरने के बाद जो उनका सेनापति होता है मीर जाफर, उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। क्योंकि मैंने बताया था आपसे सेकंड पार्ट में कि जो कंपनी थी, कंपनी ने बैटल से पहले ही मीर जाफर से मिलकर ये प्रॉमिस कर लिया था कि अगर मीर जाफर कंपनी का बैटल में साथ देगा, यानी कि सिराजुद्दौला को हराने में साथ देगा, तो सिराजुद्दौला का हराने के बाद कंपनी मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देगी। और इनफैक्ट वैसा ही हुआ। क्या हुआ कि कंपनी ने जब सिराजुद्दौला को बैटल में हराया, उसे जान से मार दिया, तो उसके बाद उसने मीर जाफर को बना दिया नवाब। अब आगे चलते हैं। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, इट प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड। ठीक, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क नहीं लेना चाहती थी। ठीक है, कंपनी का ये मानना था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है, ठीक है, वो पूरे का पूरा कौन देखे, नवाब देखे, लेकिन रिवेन्यू कलेक्ट करने का जो काम है वो कौन देखे, कंपनी देखे। मतलब एक प्रकार से जान लिए डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया था कंपनी ने, कि रिवेन्यू कलेक्शन का जो वर्क होगा वो कंपनी करेगी, और क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसके ऊपर होगी, नवाब के ऊपर। और एक चीज़ आपको बता दें, कंपनी का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था, कंपनी का जो मेन मोटिव था, वो केवल और केवल अपने ट्रेड को बढ़ाना था, कि किस तरीके से अपने ट्रेड को बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा यहाँ से कमाया जा सके। ठीक, अब आगे चलते हैं। If this could not be done without conquest, so the help of local ruler who were willing to grant privileges, then treaty need not to be taken over directly. देखिए, सीधी सी बात थी, अगर कंपनी को अपने ट्रेड का एक्सपांशन करना था तो उसको लोकल रूलर्स को क्या कहते हैं, हरा देना था। मतलब आप कह सकते हैं लोकल रूलर्स को भी पूरी तरीके से सब्जुगेट कर लेना था, उनके ऊपर अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश कर देना था। मतलब कि यहाँ पे कहने का ये है कि लोकल रूलर्स की जो टेरिटरी थी, जिन भी एरियाज में आपके छोटे मोटे राजा महाराजा अपना शासन चलाया करते थे, उन सभी एरियाज को कंपनी अब क्या करना चाहती थी, एक्वायर करना चाहती थी, ताकि वो अपने ट्रेड को बढ़ा सके। ठीक, अब आगे चलते हैं। Soon the company discovered that this was rather difficult. कंपनी को लग रहा था कि ये चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ये चीज़ें क्या होंगी, डिफ़िकल्ट होंगी, इसमें डिफ़िकल्टीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आएगी। ओके, फॉर इवन द पपेट नवाब वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज कंपनी वॉन्टेड देम टू बी। ठीक, कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। ठीक, अब जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया था, तो वो एक कहते हैं कंपनी के हाथों की एक कठपुतली बन गया था, कंपनी के हाथों का एक वो पपेट बन गया था। जिस तरीके से कंपनी चाहती थी, वो नवाब उसी तरीके से काम करता था। ठीक, लेकिन सभी जगहों पर नहीं, कहीं कहीं पे नवाब कुछ ना कुछ अपने मन का कर दिया करता था, क्योंकि भाई उसके अंदर भी फील था कि मैं नवाब हूँ तो मैं हर बात कंपनी की क्यों मानूँ, तो कहीं कहीं पर वो ये चीज़ें भी कर दिया करता था। अब इसके बाद कंपनी ने क्या किया, क्या कंपनी इस चीज़ से क्या कहते हैं खुश रहेगी, इस चीज़ पे वो चुप रहेगी कि मीर जाफर जो है, जिसको कंपनी ने नवाब बनाया है, वो कहीं ना कहीं अपने मनमानी तरीके से कुछ ना कुछ कर रहा है। तो इस बात से नाखुश होकर कंपनी ने एक डिसीज़न लिया। कंपनी ने क्या किया, आइए वो हम जानते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। ठीक, वाट कुड द कंपनी डू, कंपनी ने क्या किया देखते हैं। व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। जब मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया,
जब मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया तो कंपनी ने क्या किया, उसको नवाब की कुर्सी से हटा दिया और उसकी जगह पे मीर कासिम को फिर बंगाल का एक नया नवाब बना दिया। ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपसे बताया कि भाई मीर जाफर एक नवाब था, उसके अंदर ये चीज़ें कहीं ना कहीं थी कि मैं नवाब हूँ तो मैं कंपनी की सारी बातें क्यों मानूँ, और कंपनी की सारी शर्तों को वो पूरा भी नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद जब कंपनी ने उससे मतलब और भी चीज़ों की डिमांड की तो उसने कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया कि नहीं मैं ये चीज़ें अब नहीं कर पाऊँगा, तो इसी के चलते कंपनी ने मीर जाफर को हटा दिया और मीर जाफर की जगह पे मीर कासिम को ला दिया। अब आगे, व्हेन मीर कासिम कंप्लेन ही इस तन वाज डिफीटेड इन बैटल फॉट एट बक्सर 1764। ठीक, और इसके बाद मीर कासिम जब क्या कहते हैं बंगाल का नवाब बना तो उसका जो रिजल्ट था वो मीर जाफर से भी बेकार था। मीर कासिम जब क्या कहते हैं बंगाल का नवाब बनता है तो कंपनी लगातार उससे भी बहुत सारे क्या कहते हैं गिफ्ट्स की, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करती है, तो मीर कासिम उन चीज़ों को देने से मना कर देता है, जिसके बाद मीर कासिम को कुर्सी से हटा दिया जाता है और फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और ये बात मीर कासिम को बहुत बुरी लगती है। उसके बाद वो अवध के नवाब, हमारे अवध के जो नवाब थे, ठीक है, शुजाउद्दौला, और उसके बाद आपके मुग़ल एम्पायर उस समय में थे शाह आलम सेकंड उस समय आपके मुग़ल एम्पायर थे और आपके अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, उन दो पर्सन्स की मदद से मीर कासिम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट यानी कि कंपनी के अगेंस्ट एक बैटल करता है और उस बैटल में इन तीनों कंबाइन फोर्सेस को डिफीट खानी पड़ती है। और ये फेमस बैटल है आपका बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था। ठीक, अब आगे चलते हैं। द नवाब हैड टू पे 5 लाख एवरी मंथ बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट वार एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस। इट वांटेड मोर ट्रेटी एंड मोर रेवेन्यू बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765 द मूड ऑफ कंपनी हैड चेंज हैविंग फेल्ड टू वर्क विथ पपेट नवाब क्लाइव डिक्लेयर वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब ओवर सेल। ठीक, अब देखिए क्या कहते हैं, जब मीर कासिम को बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया कंपनी ने तो मीर जाफर क्या होता, मीर जाफर को वहाँ बंगाल का फिर से नवाब बना दिया जाता है। अब जब मीर जाफर बंगाल का नवाब फिर से बन जाता है तो कंपनी उससे लगातार बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करना स्टार्ट कर देती है कि हर महीने आप हमें 5 लाख रुपए दीजिए, इसके बाद जो भी वार्स हो रहे हैं उन वार्स में जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो रही है उसको आप दीजिए, हमारे ट्रेड में या हमारे जो अदर एक्सपेंसेज हैं या जो भी हमारे डिमांड्स हैं आप उसको फुलफिल करिए। ठीक, ये सभी चीज़ें। लेकिन 1765 में मीर जाफर की भी मौत हो जाती है और मीर जाफर की मौत होने के बाद कंपनी का मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और कंपनी ये कहती है कि अब हम अपने इन पर्टिकुलर एरियाज़ में जिसको हमने सब्जुगेट कर लिया, जिसको हमने जीत लिया है, उन एरियाज़ में हम कोई भी नवाब वगैरह नहीं रखेंगे, उन एरियाज़ को हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। फाइनली इन 1765 द मुग़ल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी ऑफ द दीवान ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल। और 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स क्या थे, दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि रिवेन्यू कलेक्शन का राइट्स कंपनी को मिल जाता है। अब कंपनी के पास ये पावर आ गई थी, कंपनी के पास ये अथॉरिटी आ गई थी कि वो बंगाल के पूरे बंगाल प्रोविंस में रिवेन्यू कलेक्शन का काम करे, क्योंकि उसको बंगाल के ऊपर दीवानी राइट्स मिल गया था आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक, आगे, द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज वाफ्स रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, दिस सॉल्वड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड फेस्ड अर्लियर। और जब कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाता है बंगाल प्रोविंस के ऊपर कि पूरे के पूरे बंगाल एरिया पे अब वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करेगी, तो इस पर्टिकुलर राइट के बाद कंपनी की जो मेजर प्रॉब्लम थी वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती है। अब वो मेजर प्रॉब्लम क्या थी, आइए हम लोग जानते हैं आगे की लाइन्स में। ओके, फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विथ इंडिया वॉज एक्सपेंडेड। 18th सेंचुरी में ब्रिटिश जो कि कहते हैं यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, जो कि इंग्लैंड वगैरह है, लंदन जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं ब्रिटिशर्स, उनसे इंडिया का ट्रेड का जो रिलेशन था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा दोनों के बीच में ट्रेड हुआ करता था। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया विथ गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन।
अब देखिए ब्रिटेन क्या करता था, इंडिया से गुड्स खरीदता था पहले भी, ठीक है, सब्जुगेशन प्रोसेस के पहले भी वो इंडिया से बहुत सारी चीज़ें लेता था, लेकिन जो भी चीज़ें जब वो इंडिया से खरीदता था तो उसके बदले में वो भारत को क्या देता था, सोने और चांदी। मतलब गुड्स वो क्या कहते हैं, अपने देश में लाता था और अपने देश से हमारे भारत देश में बहुत सारे सोने और चांदी भेजा करता था। तो एक प्रकार का उसके लिए क्या था, एक प्रकार का उसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस था। और जब बंगाल में उसको क्या कहते हैं रिवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल जाता है, तो अब हमारा पैसा वो हमारी चीज़ों को खरीदने में ही लगाने लगे थे, जैसा कि हम अभी आगे की लाइनों में देखेंगे। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, द ओवरफ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, यानी इंटायरली स्टॉप आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी। देखो ये कह रहा है कि दीवानी राइट्स मिलने के बाद क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें ब्रिटेन से इंडिया आती थी वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि अब उनके पास दीवानी राइट्स आ गया था, उनके पास रिवेन्यू कलेक्शन का राइट्स आ गया था। अब हमारे पर्टिकुलर इंडिया में, ठीक है, हमारे देश में जो भी चीज़ें हैं, जो भी पर्टिकुलर चीज़ें मिलेंगी उनको वो बंगाल के उसी रिवेन्यू अमाउंट से खरीदेंगे और अपने देश में भेज दिया करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब ऐसा हो जाएगा तो क्यों वो अपने देश के पैसे या अपने देश के गुड्स हमारे देशों में भेजेंगे। वो पूरी तरीके से ये प्रोसेस स्टॉप हो गया था दीवानी राइट्स मिलने के बाद। नाउ रिवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस द कंपनी एक्सपेंसेस। देखिए बहुत ही खूबसूरत लिखा है इस लाइन में कि कंपनी को जो भी रिवेन्यू मिल रहा था बंगाल से आफ्टर द राइट्स ऑफ दीवानी, वो उन्हीं रिवेन्यू अमाउंट्स को कंपनी के क्या कहते हैं फाइनेंस एक्सपेंस को फुलफिल करने में लगा रही थी। ठीक, दीज रिवेन्यू कुड बी यूज टू परचेस कॉटन एंड टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन कंपनी थ्रू एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कोलकाता। जो भी पैसे, जो भी रेवेन्यू आप हमारी कंपनी को मिल रहे थे, यानी कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी रेवेन्यू मिल रहे थे, उन रेवेन्यू से वो लोग कॉटन्स खरीद रहे थे, टेक्सटाइल्स खरीद रहे थे, अपनी कंपनी के आर्मी को मेंटेन कर रहे थे, बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे थे, फोर्टिफिकेशंस कर रहे थे, और जो भी ऑफिसर्स थे उन ऑफिसर्स को सैलरी वगैरह भी पे कर रहे थे। मीन्स हमारा पैसा अब वो हमारी चीज़ों को खरीदने में यूज़ कर रहे थे और उन्हीं पैसे से इंडिया में अपने पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, मतलब अपनी पावर्स को और भी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहे थे। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप ये वाला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कंपनी ऑफिशियल बिकम नबूब्स। अब देखिए नबूब्स क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के जरिए इसको जानने की कोशिश करेंगे। नबूब्स क्या कहते हैं, नवाब का एंग्लिसाइज्ड वर्जन है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर नवाब होते थे, हमारे कंट्री में नवाब कहा जाता था, जो लोग बहुत ही रॉयल तरीके से जीते थे ज़िंदगी उनको क्या कहते थे, नवाब। तो नबूब्स का मतलब है नवाब का एंग्लिसाइज्ड वर्जन। ठीक है, जैसे कि जो भी ब्रिटेन के लोग इंडिया में आए थे ट्रेड करने, जब ये लोग यहाँ पर ट्रेड कर गए, बहुत सारा पैसा कमा लिए, और जब बहुत सारा पैसा कमाने के बाद ये अपने देश ब्रिटेन वापस गए, तो वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा इनको नबूब्स कहा गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रॉयल्टी की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, इनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया था, ये क्या कहते हैं नवाबों की तरह अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिए थे, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत हो गया था, इसीलिए वहाँ के लोकल लोग जो भी लोग यहाँ से ट्रेड करके ब्रिटेन जा रहे थे उनको नबूब्स कह रहे थे। ठीक, आइए ध्यान देते हैं हम लोग आगे। What did it mean to be nawabs? It means of course that the company acquired more power and authority, but it also means something else. Each company's servant began to have vision of living like nawab. अब देखिए कंपनी के जितने भी सर्वेंट थे वो सब क्या कहते हैं ये सोचने लगे थे कि हम भी अब जिंदगी किसकी तरह जिएंगे, नवाब की तरह, क्योंकि वो लोग इंडिया में आए थे ट्रेड करने, और ट्रेड करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, हमारी पूरी की पूरी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया और अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन जब उन्होंने हमारे यहाँ के नवाबों को देखा कि यहाँ के नवाबों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है, वो लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, तो इस बात से वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने कहा, वहाँ कंपनी के जितने भी नौकर वगैरह थे वो सारे नौकर चाहते थे कि अब वो भी अपनी ज़िंदगी किसकी तरह जिए, नवाब की तरह।
आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासे द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स टू गिव लैंड एंड वास सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल। बैटल ऑफ प्लासे के बाद आपकी कंपनी ने फोर्स किया, किसको फोर्स किया? नवाब को, बंगाल का जो नवाब बना था। कौन बना बंगाल का नवाब बैटल ऑफ प्लासे के बाद? मीर जाफर। मीर जाफर को फोर्स किया कि वो कंपनी को ढेर सारे गिफ्ट दे, ढेर सारे इनाम वगैरह दें। ठीक, और क्या कहते हैं उस समय, क्या कहते हैं कंपनी का जो गवर्नर था वो कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अजम्ड अ फॉर्चून इन इंडिया। ही हैड केम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18। 18 साल की उम्र में इंग्लैंड से चेन्नई आया था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। 18 साल की उम्र में आया था, यानी कि 1743 में, 1743 में ये इंग्लैंड से चेन्नई आया था, तब इसकी उम्र 18 साल थी। When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 401.102। देखिए मतलब 10-20-50 गुना ज़्यादा इसकी इनकम, मतलब वो हो गया था इसका वेल्थ, इसकी प्रॉपर्टी किसकी? आपके रॉबर्ट क्लाइव की। 1743 में ये कहाँ आया था? इंडिया आया था। ठीक, और 1767 में जब ये इंडिया से गया अपने देश वापस, कहाँ पे? इंग्लैंड। तब इसकी जो प्रॉपर्टी थी, इसकी जो असेट्स थी, वो कई कई गुना बढ़ गई थी। ठीक है, कई गुना वो बढ़ चुकी थी। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764 ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, बट ही वाज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। लेकिन 1764 में जब रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, तो इससे ये कहा गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कहा रॉबर्ट क्लाइव से कि जो आपके, क्या कहते हैं, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जो करप्शन है आप उसको रिमूव करिए। लेकिन जब ये वापस लौटा, जब ये इंग्लैंड वापस जाता है, तो इसके पास इतना पैसा होता है कि पूछो नहीं। तो कंपनी वहाँ की, ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट हाउस था, वो जब देखता है कि रॉबर्ट क्लाइव लौटा है, इसके पास बहुत पैसा है, तो वो लोग रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर ही एक इंक्वायरी बैठा देते हैं कि इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया, आखिर में आपने ऐसा कौन सा ट्रेड किया जो आप इतने ज़्यादा वेल्दीस्ट हो गए। और इसके बाद फिर क्या कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था 1774 में। बहुत ही उसको गिल्टी फील होता है और उसके बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा नबूब के बारे में जानते हैं। नबूब क्या था? However, not all company officials succeeded in making money like Clive. Clive ने जिस तरीके से पैसा बनाया था, उस तरीके से सभी कंपनी के ऑफिसर्स ने पैसा नहीं बनाया था। ठीक, Many died at early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. ठीक, जितने भी लोग इंडिया में आए थे, जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया में आए थे, सभी रॉबर्ट क्लाइव की तरह पैसा नहीं बना पाते हैं। कुछ तो बेचारे बहुत पहले ही मर जाते हैं, जैसे कि बीमारियों, भारत में बहुत सारी खतरनाक बीमारियां भी हुआ करती थी, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स बीमारियों से मर गए और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स आपके वार वगैरह में मर गए। तो कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, सभी करप्ट और डिसऑनेस्ट नहीं थे। कुछ ऐसे भी थे जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और वो क्या कहते हैं, अपनी लाइफ से बहुत खुश थे। जब जितने भी टाइम वो इंडिया में रहे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जी, और जब वो यहाँ से वापस ब्रिटेन गए, तो वहाँ पे भी उन्होंने बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से अपनी लाइफ को जिया। ठीक है, सभी के सभी ब्रिटिश ऑफिसर्स करप्ट और डिसऑनेस्ट नहीं थे। ठीक, ओके, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है, मैंने इसको इसलिए हाईलाइट भी कर दिया है। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लीव एंड फॉल्टेड देयर रिचेस दे वर कॉल्ड नबूज An anglicized version of the Indian word Nawab. आप रॉबर्ट क्लाइव को नबूब कह सकते हैं, क्यों? अब मैं बताता हूँ। जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया में आए थे ट्रेड करने, और जिन्होंने अलॉट ऑफ करप्शन, बहुत ज़्यादा करप्शन किया और बहुत ज़्यादा पैसा बनाया, और बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के बाद जब वो अपने देश वापस गए,
तब उनको वहाँ पे नबूब्स कहा गया। क्या कहा गया? नबूब्स। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। मैंने अभी बताया कि सभी ऑफिसर्स आपके क्या कहते हैं करप्ट और डिसऑनेस्ट नहीं थे, कुछ बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते थे। ठीक, लेकिन बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे भी थे जो इंडिया में आए और जिन्होंने यहाँ पे बहुत करप्शन किया, बहुत पैसा बनाया, और पैसा बनाने के बाद जब वो अपने देश वापस गए ब्रिटेन, तब वहाँ पे उनको नबूब्स कहा गया। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव्स को भी नबूब्स कहा गया था, नबूब्स कहना उनको गलत नहीं होगा। ठीक, देखिए नबूब्स क्या था, एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। ठीक है, इंडिया में जो नवाब थे उसका एंग्लिसाइज वर्जन था, कौन? नबूब। ओके, अब आगे चलते हैं। दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट एंड सोशल क्लाइंबर्स इन द ब्रिटिश सोसाइटी एंड वर रिडिकूल्ड और मेड फन ऑफ इन प्ले एंड कार्टून। ये लोग जो नबूब्स थे, ये नबूब्स जब ब्रिटेन पहुंचे तो वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा क्या किया गया, इनको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इनसे लोगों ने बहुत ज़्यादा नफरत की, इनके कार्टून्स बनाए, इनसे मस्तियाँ की, इनका मजाक उड़ाया, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों के साथ वहाँ पे हुई। ठीक है, किनके साथ? नबूब्स के साथ। ठीक, और नबूब्स कौन था? ऐसे ब्रिटिशर्स पर्सन जो इंडिया में आए थे, जिन्होंने यहाँ पे आके बहुत करप्शन किया, बहुत पैसा बनाया, और जब ये अपने देश वापस लौटे ब्रिटेन, तो वहाँ पे इनको नबूब्स कहा गया था। ठीक, नबूब्स क्या है, ये क्या कहते हैं एंग्लिसाइज वर्जन ऑफ नवाब। ठीक, नवाब का जो एंग्लिसाइज वर्जन है उसी को नबूब कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। कंपनी रूल एक्सपांड्स। अब कंपनी ने अपना रूल कैसे कैसे बढ़ाया, थोड़ा सा इसको हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट बाई द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्राम 1757 to 1857, सर्टेन की एस्पेक्ट एमर्ज। अगर हम ये देखेंगे कि 1757 से 1857 में के बीच में किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्सेशन प्रोसेस को बढ़ाया, तो कुछ क्या कहते हैं की एस्पेक्ट्स आगे सामने आएंगे। जैसे द कंपनी रेयरली लॉन्च अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। कंपनी ने बहुत सारे अनजाने जगहों पर मिलिट्री अटैक्स भी किया था और उन पर्टिकुलर एरियाज को सब्जुगेट भी कर लिया था। इंस्टीड इट यूज अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड डिप्लोमेटिक मेथड टू एक्सटेंड इट इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग द इंडियन किंगडम। किसी भी इंडियन किंगडम को उन्होंने एक बार में एनेक्स नहीं किया था। देखिए मैं आपको बता दूँ, इंडिया में क्या था ना, डिक्लाइन ऑफ मुगल के बाद मैंने बताया था कि बहुत सारे छोटे छोटे आपके स्टेट्स वगैरह, बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स बन गए थे। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर किंगडम्स थे जो बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर किंगडम्स थे जो थोड़ा बड़े थे। तो जो बड़े पर्टिकुलर किंगडम्स थे उनको एनेक्स करने के लिए आपके ब्रिटिश ने, यानी कि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 से 3 बार उनसे बैटल किया, तब जाके उनको सब्जुगेट कर पाए। और जो छोटे छोटे आपके किंगडम्स थे उनको एक ही बार में वार में हरा कर सब्जुगेट कर लिया था। तो कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि 1757 से 1857 के बीच में कंपनी ने तेज़ी से अपना एनेक्सेशन प्रोसेस बढ़ाया, मतलब कि अपनी टेरिटरी को एक्सपांड किया। ओके, और उसके लिए उसने बहुत सारे मेथड्स का यूज़ किया था, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, सब्सिडरी एलियंस हो गए। ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक मेथड्स का उन्होंने यूज़ किया था। ठीक, अब आगे चलते हैं। After the Battle of Buxar 1764, the company appointed resident in Indian state. देखिए Battle of Buxar के बाद एक चीज़ नई देखने को मिली कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्या कहते हैं इंडियन स्टेट, जितने भी इंडियन स्टेट थे, ठीक है, जो भी इंडियन स्टेट थे उन इंडियन स्टेट में उन्होंने अपना एक रेसिडेंट बना दिया। अभी तो और स्टेट्स को उन्होंने सब्जुगेट नहीं किया था ना, अभी तो उन्होंने केवल बंगाल को सब्जुगेट किया था। तो बंगाल में उन्होंने अपना एक रेसिडेंट, अपना एक डिप्टी, आप कह सकते हो डिप्टी नवाब, एक डिप्टी नवाब की पोस्ट बनाई और बंगाल में अपना एक डिप्टी नवाब उन्होंने क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया, जो क्या कहते हैं नवाब के वर्क वगैरह को देखेगा। ठीक है, उनके वर्क्स वगैरह पे पूरी नज़र रखेगा। और कंपनी ने ये कहा था कि वो डिप्टी नवाब नवाब के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने डिप्टी नवाब की पोस्ट बना ही दी थी तो उसके पीछे उनका यही रीज़न था कि नवाब की पोस्ट को ख़त्म किया जाए और यही डिप्टी नवाब पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया को क्या करे, उस पर्टिकुलर एरिया को सर्कुलेट करे। तो देखिए मैंने आपसे बताया कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने क्या किया कि एक डिप्टी नवाब की पोस्ट बना दी और उसको उन पर्टिकुलर एरियाज में उन्होंने रेसिडेंट के तौर पर रख दिया जिन एरियाज को उन्होंने सब्जुगेट किया था। ठीक, और यही पर्टिकुलर सिस्टम आपका सब्सिडरी एलियांस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये सिस्टम लाया गया था। हम लोग आइए सब्सिडरी एलियांस सिस्टम के बारे में अब जानते हैं कि आखिर में ये सिस्टम है क्या। सब्सिडरी एलियांस, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस एलियांस इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू देयर इंडिपेंडेंस आर्म फोर्स। ठीक है,
इस सब्सिडी अलायंस के अकॉर्डिंग क्या है, इस सब्सिडी अलायंस के अकॉर्डिंग कोई भी इंडियन रूलर अपनी आर्मी नहीं रख सकता, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाई कंपनी बट हैड टू पे फॉर दिस सब्सिडी फोर्सेज दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन। देखिए सब्सिडी अलायंस सिस्टम में ये हो गया था कि आपके दो पर्टिकुलर पावर्स में वो पर्टिकुलर स्टेट डिवाइड हो जाता है, एक पैरामाउंट पावर में और एक आपके क्या कहते हैं ये आप कह सकते हो लोकल पावर में। ठीक, सब्सिडी अलायंस सिस्टम में ये हुआ था कि जो भी पर्टिकुलर स्टेट क्या कहते हैं सब्सिडी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा वो अपने पर्टिकुलर स्टेट में आर्मी नहीं रख सकता और उसके बाद उसको पैसा पे करना होगा कंपनी को ताकि कंपनी उस एरिया में अपनी आर्मी रख सके और फिर वही आर्मी उस स्टेट की प्रोटेक्शन करेगी उसके एनिमी स्टेट से। ठीक, इफ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर ट्रीटी टेकन अवे एज ए पेनल्टी। और अगर क्या कहते हैं उस एरिया का राजा महाराजा पैसा देने में सक्षम नहीं है, पैसा नहीं दे पे कर पा रहा है कंपनी के एक्सपेंस मिलिट्री कंपनी के मिलिट्री एक्सपेंसेस पे, तो क्या होगा उस पर्टिकुलर राजा का जो एरिया होगा उसको एनेक्स कर लिया जाएगा एज अ पेनल्टी, जैसा कि हुआ था फॉर एग्जांपल नवाब ऑफ अवध को 1801 में उनके टेरिटरी को क्या किया गया था, एनेक्स कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि वो सब्सिडी अलायंस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और वो क्या कहते हैं अपना पेमेंट वो पैसा पे नहीं कर पा रहे थे कंपनी के मिलिट्री एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए, तो आपकी कंपनी ने 1801 में उसके कुछ पार्ट्स को या पूरे के पूरे क्या कहते हैं उसके होल एरियाज को क्या किया था, एनेक्स कर लिया था। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। एज ही फेल्ड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स टू सेट ट्रीटीज ऑन सिमिलर ग्राउंड। हैदराबाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जो आपके किसके साथ हुआ था, जो आपके अवध के साथ हुआ था, वैसा ही कुछ आपके हैदराबाद के साथ भी हुआ था। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय।